पहाड़ी रास्ता ऐसे ही होता है भाई। और गाइस यहाँ पे बारिश शुरू हो गया यार, खतरनाक भाई, खतरनाक। बहुत मेहनत किया भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कैसे है दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल आप सभी को। एंड आई नो कि मैं काफ़ी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज था, यू नो एट दिस एज अप एंड डाउन होते रहता है। सोया बिना कुछ ज़्यादा बोले वीडियो को ये शुरू करते हैं। तो पब्लिक आज हम जा रहे हैं चक्रता, और चक्रता से मोइला टॉप। फिलहाल अभी सुबह के 9 बज गए, देखते हैं गाइस कितना टाइम और लगता है चक्रता के लिए। गाइस देखते ही देखते चढ़ाई शुरू हो गया, और ऊपर देखिए पहाड़ चाहिए गाइस। ये रहा रास्ता, खुले रास्ता, और सामने में है पहाड़, और नीचे है चट्टान, बहुत गहरा चाहिए। और गाइस हम यहाँ पे रुके हुए, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और बाकी ये व्यू देखिए इतने मस्त लग रहे हैं ना। वो नीचे में नदी बह रहा है, और वो सामने में छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहा है, इतना गहरा है गाइस। और गाइस यहाँ पे बारिश शुरू हो गया यार, पूरा मौसम ही बदल गया यहाँ पे। तो अभी लगभग 15 किलोमीटर बचा हुआ है चक्रता पहुँचने के लिए। यहाँ का जो पहाड़ी बदल गया, यहाँ का देखिए पूरा हालत है भाई, क्या नज़ारा है गाइस। जिंदगी में यही तो चाहिए गाइस, यही तो चाहिए रोड ट्रिप और ऐसा नज़ारा, एक नंबर गाइस, एक नंबर। ये जो रास्ता है ना, वहाँ से होते हुए आया हम वहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे घर देख सकते हो, वहाँ से बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है यार। क्या ही नज़ारा है गाइस दोस्तों, देखिए गाइस हम लोग वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे, और यहाँ पे पहुँचते भाई पूरा मौसम बदल गया गाइस। पूरा अभी थोड़ा सा कूल चिल वाइब आ रहा है। अभी पहले हम जब आ रहे थे, हमारे सर पे पसीने निकल रहे थे, अभी देख के नहीं गाइस, बादल बादल पड़ा हुआ है, हमें कोई सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो मजे है गाइस पहाड़ पे रहने का मजे। ओ भाई कसम से गाइस, बहुत कन पड़ रही है यार, लगी पड़ी है हमारी, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है गाइस, इतना कोहरा है गाइस, यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, खतरनाक भाई, खतरनाक। और हम थोड़ी देर पे ही चक्रता पहुंच गए थे, चक्रता के मेन मार्केट में। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं किए। एक नंबर भाई, एक नंबर गजब, पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और गाइस देखिए गाइस, ये एग्जैक्ट लोकेशन है गाइस, हम जहाँ पे खड़े हैं ना वही एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पे बर्फ था भाई, बर्फ, समझ रहे हो, विंटर पे भाई, गलत सीन था भाई। फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। वेट, सबसे पहले मैं अपना भाई लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये जसकांग भाई हमारे साथ आए, और ये न्यूटन लो वाला। तो गाइस हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया, और यहाँ से निकलेंगे अभी मोइला टॉप की ओर। और बाकी यहाँ पे व्यू देखिए गाइस, यहाँ पे अगर बारिश नहीं होता ना तो यहाँ पे एकदम कड़क गोला व्यू दिखाई देता। चलो फिलहाल मोइला टॉप पहुंच के आपको दिखाएंगे। और गाइस हम ये मोइला टॉप की ओर निकल पड़े, और गाइस क्या ही नजारा है गाइस, एकदम कराकोली नजारा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इतना आगे तक। तो इतना ऊंचा पहाड़ है गाइस, ओ भाई भयंकर भाई, एक नंबर कतई जहर भाई। गाइस ये जो रास्ता है ना, और ये जो पहाड़ है, विंटर का समय ये पूरा बर्फ से ढका रहता है पूरा। आप यहाँ पे आने के लिए तो आ पाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत होता है। और बाकी वहाँ दूर भी देखिए, वहाँ पे कुछ गांव देखना शुरू हो गया पहाड़ पे, क्या ही मस्त लग रहा है ना।
देखिए गाइस पूरा पत्थर का पहाड़ गाइस, पत्थर का ही पहाड़ है गाइस। इतना भयंकर भयंकर व्यूज आ रहे हैं कि वो नहीं पा रहा भाई। आप लोग को कौन सा दिखाऊं कौन सा ना दिखाऊं, पागल हो रहा है गाइस। बाप रे भाई क्या ही नजारा है गाइस। तो गाइस हम लोग अभी मोहल्ला टॉप के रास्ते पे है, तो वैसे यहाँ पे रास्ता इतना ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला चल रहा है हालात यहाँ पे। और बाकी आप लोग ये नज़ारा देखिए मैन क्या है यार, क्या है यार। ओ गाइस देख इतना ऊपर है कि मेरा गर्दन ही दर्द करने लग रहा है भाई, इतना ऊँचा है भाई। ये कैमरा भी ना पूरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ये जो नज़ारा है ना सही में। ये जो एक वहाँ पे जो घर दिखाई दे रहा है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, शायद नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग वहाँ से होते हुए यहाँ पे आया है गाइस। बाप रे देख लो गलत सीन है भाई, गलत सीन एक नंबर भाई, कताई जहर। और वहाँ पे देखिए भाई कुछ बकरियाँ वहाँ पे। फिलहाल हम लोग जाते हैं यहाँ से मोहल्ला टॉप की ओर। सो गाइस इतना मेहनत ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गया है जहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से मोहल्ला टॉप। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है ट्रैक के लिए। और हम लोग का किस्मत देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गया, देख रहे हो भाई लोग का किस्मत। चलो गाइस बारिश तो हो रहा था लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि चलो यार क्या है। और यहाँ भी देखिए 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो चलो हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं यहाँ से, लेट्स गो। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस देख रहे हो ना हमारी किस्मत, जैसे हमने यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू किया बहुत ज़ोरदार बारिश शुरू हो गया यार। तो गाइस हमने यहाँ पे कुछ सोचा नहीं, वापस आ गए और यहाँ पे हमने शेल्टर लिया। तो 146 मिनट्स लेटर फाइनली हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। हल्की हल्की बारिश हो, हमारे आगे जो दो ग्रुप गए थे वो लोग वापस आ चुके वापस, और वो निकल भी गए वापस, और हम अभी जा रहे हैं। वो लोग पूरा बिक कर आए वापस। चलिए मतलब 2.5 किलोमीटर का सफ़र है ट्रैक है आई मीन। तो ओ भाई क्या ही नज़ारा है, उतना ही कठिन ट्रैकिंग है गाइस। ओ भाई वो सब ओ भाई गाइस वैसे तो ये यहाँ का रास्ता इतना स्लिपरी तो नहीं है, एक दो जगह होगा वो पे थोड़ा हल्का हल्का स्लिपरी है, और बाकी सब में तो ये सारा रेट पड़ा हुआ है, बस स्टेमिना होना चाहिए भाई। और लड़कों का स्टेमिना ठीक ठाक है भाई। तो पब्लिक काफ़ी मेहनत के बाद वी हैव फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, और ये रहे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और गाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगे है ऑलमोस्ट 1 आवर। और रही मोहल्ला टॉप की हाइट है 8,855 फीट। गाइस देख रहे हो ना दिस इज मैजिक गाइस, ये मैजिक नहीं तो क्या गाइस, स्वर्ग से कम नहीं है भाई। और वो रहे यहाँ के प्यारा सा शिव जी का मंदिर, बाकी वहाँ देखिए भाई ड्रोन, लगता है शूटिंग चल रहा है।
गाइस दिस इज़ इट। यहाँ टॉप पे पहुँचने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना ऐसे नज़ारे के साथ, लिटरली नो वर्ड्स। ये कोहरा और ये मंदिर इतने मस्त लग रहा है कि एकदम अनरियल जैसी फीलिंग आ रही है गाइस, वो मैन। और रही ट्रैक के बारे में बोलूँ तो गाइस ट्रैक काफ़ी टॉप था, लेकिन ऐसे नज़ारे के लिए तो गाइस ऑल वर्थ इट है गाइस। वो नीचे देखिए, वहाँ नीचे तक जाना है वापस। वो रहा मंदिर, अपना प्यारा मंदिर शिव जी का। तो गाइस यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि लेट भी हो रहा है यहाँ से, तो निकलते हैं यहाँ से। बहुत ही प्यारा लोकेशन है गाइस, देखिए बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है गाइस भाई साहब। और वहाँ पे मंदिर, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, लेकिन ज़रा देर तक नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि नीचे जल्दी पहुँचना है, नहीं तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएंगे। तो अंधेरा होने से पहले हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो सीरियसली मैन बहुत मिस करेगा यार, बहुत बहुत मिस करेगा। वो कहते हैं ना यार, जो देहरादून में रह रहे हैं ना, दे आर प्रिविलेज मैन, ये सब का फ़ायदा उठाना चाहिए यार। बस एक दो घंटे का राइड पे निकल जाओ, आपको ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे ना, आप सोचा भी नहीं होगा। बाप रे। और गाइस ये विंटर के समय ये लोकेशन बर्फ से पूरा ढक कर रहता है, सो गाइस विंटर पे आना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इट्स टाइम टू ट्रैक बैक मैन, हियर वी गो, आवर जर्नी कंटिन्यू 2.5 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा जगह है। चलो गाइस, तो गाइस आप लोग को नीचे पहुँच कर मिलते हैं। चलो तो गाइस फाइनली वापस पहुँच गए हम जहाँ से ट्रैक शुरू किया था, और ये भाई लोग हमारे साथ था, तो इनके साथ गए थे हमारे ये लोग निकल गए, दिल्ली के भाई लोग है। और भाई लगभग 40 मिनट लगा है वापस ट्रैक पे करने के लिए। तो क्या गाइस फाइनली वापस जाएंगे हम, लगता है वापस देहरादून तक पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस यही पे वीडियो समाप्त किया जाता है, और फिर कभी दिन मिलेंगे। बहुत थक गया है, और वापस जाने का रास्ता तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या क्या ही दिखाएंगे दो बार। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब अपलोड करूँगा, जब मन किया तब फिर देखेंगे। चलो सी यू गाइस। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बच कहानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते बस तू तक, तू तक, तू तक सुने तू।